आलू ऊपर लगाई गई। हाँ आलू ऊपर लगा लो। जो कि सवाई माधोपुर से सीफ्री जो रोड बना था, जितेंद्र कोटवाल जी ने बड़ी मुश्किल के बाद इसको रोड को पास कराया था, उसकी हालत बहुत बिगड़ चुकी है। देखो रोड के बीच में दरार आ चुकी है। तो बिल्कुल यह है बोदड़ से जो खंडाल आते हैं उस वक्त बोदड़ की जो पहली पुलिया है वो है पहली पुलिया है। कितनी रोड के अंदर दरार आ चुकी है। यह वर्तमान खंडार विधायक व अधिकारियों की मिली भगत से कमीशन काके ऐसा रोड बनाया। देखो बिल्कुल दरार आ चुकी है दोनों पुलियाओं के बीच में। रोड पूरा फट चुका है, इधर पूरा पूरा रोड बह चुका है। काफ़ी ईंटें इधर मैं जा नहीं सकता, मेरे साथ भी दुर्घटना हो सकती है। इधर काफ़ी ईंट बह चुकी है। भाइयों देखो ईंट पूरी ईंटें बह चुकी है। देखो ये देखो पूरी ईंट बह चुकी है। ये खंडार का रोड है जो जितेंद्र कोटवाल जी द्वारा बनाया गया था। तो खंडार ने सबसे बड़ी गलती करके जितेंद्र कोटवाल जी को हरा दिया, सबसे बड़ी गलती की है। वर्तमान खंडार विधायक की इतनी तो औकात नहीं है कि वो विकास करा सके, लेकिन जो विकास जितेंद्र कोटवाल जी ने कराया था उसके अंदर कमीशन खाके ऐसा घटिया रोड का निर्माण कराया है। भाइयों पूरी ईंट बह चुकी है। ये तो अभी ये तो फर्स्ट बरसात है, पता नहीं आने वाले होने वाले बरसात में पुलिया रहेगी कि नहीं रहेगी, इसका हम कुछ भी नहीं कह सकते। देखो भाइयों बिल्कुल देखो रोड कितना फट चुका है, रोड में कितनी दरार आ चुकी है। देखो ये स्थिति है रोड की। ये देखो भाई पूरी ईंट बह चुकी है। ये ईंटें हैं देखो आप जो साइडों में लगाई गई थी, और मैं बता नहीं सकता क्योंकि बहुत और वो ट्रक के अंदर भी ईंटें भर चुकी है। देखो ये जो ईंटें भरी थी वो ट्रक के अंदर भर ली गई है। ये देखो ईंटें जो रोड से निकल कर बह गई थी उनको ट्रक के अंदर भर ली गई है। ये स्थिति है रोड की। ये स्थिति है खंडार रोड की, पूरा क्षतिग्रस्त हो चुका है ये पूरा। खंडार विधायक